ओम वंदे गौ मात्र। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, कपालभाति प्राणायाम में कहाँ क्या गलतियाँ हो जाती हैं, कैसे आप उसको सुधार सकते हैं और साथ ही उससे परेशानियाँ क्या होती हैं, क्योंकि होता क्या है, बहुत से दर्शक कहते हैं अरे आप गलत बताते हो, कपालभाति करे तो हमने ये फ़ायदे लिए, ये फ़ायदे लिए, लेकिन कभी कभी किसी किसी को तकलीफें हो जाती हैं। तकलीफें क्यों हो जाती हैं वो कारण भी बताएंगे, साथ ही उसका समाधान कैसे करें वो भी हम आपको बताएंगे, और आप सही प्राणायाम कैसे कर पाएंगे हम आपको सारे निर्देश विस्तार से देंगे, ताकि आप एक सही तरीके से कोई भी क्रिया करके लाभ लें। क्योंकि होता क्या है, कोई भी क्रिया जब आप किसी गलत तरीके से करते हैं, आपको पता है कि मुझे ये करने से लाभ होगा, लेकिन आपके करने की विधि में कहीं थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है तो उसके दुष्परिणाम हमारे शरीर को झेलने पड़ते हैं। जैसे एक छोटा सा शब्द बताऊँ आपको, एक शब्द है चिंता, लेकिन चिंता के ऊपर से बिंदी हट जाए तो बन जाती है चिता। वैसे ही मित्रों, हमारे करने के तरीके में जरा से कहीं हमें कुछ सुना कुछ नहीं सुना, कुछ गड़बड़ कर लिया तो उसमें समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अब लोग गलत तरीके से कपालभाति कैसे कैसे कर लेते हैं, पहले वो भी आपको बता दूं कि होता क्या, गलतियां कहां हो जाती हैं। मित्रों, मैंने जो देखा है, मेरे पास जो लोग आए हैं उन्होंने जो करके बताया मैं वो बता रही हूं। एक बहन ने कपालभाति करके बताया मुझे, और उसका पेट, वो बता रही थी वो जब कपालभाति करती उसका पेट फूलता चला जा रहा है और उसका पेट कम होना चाहिए जो नहीं हो रहा, क्योंकि कपालभाति के बारे में लोगों को ये जानकारी है कि कपालभाति करेंगे कब ठीक हो जाएगा, मोटापा खत्म हो जाएगा, गांठे खुल जाएंगे और बहुत सी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसा ही करने का प्रयास किया, पर उनके साथ क्या हुआ कि उनका पेट मोटा हो गया। क्या क्यों हो गया मैं आपको भी बता दूँ, वो क्या करती थी, सांस भर के सांस रोक के और फिर पेट हिलाती थी, सांस भरा और सांस रोक लिया, और वो कितनी देर करती थी, 20-25 जितना वो कपालभाति कर पाती थी उनके हिसाब से वो कपालभाति कर रही हैं, और वो सांस भर के रोक के कर रही हैं। उसके बाद हम जो अग्निशार क्रिया करते हैं बाह्य प्राणायाम में और वो सब, उसमें सांस छोड़ के करते हैं, सांस भर के हम नहीं करते, सांस छोड़ने के बाद हम वो करते हैं, तो ये उल्टा हो रहा था। उसके अलावा किसी ने कहा कि हमारे प्राणायाम करते करते कपालभाति करने से मेरा वजन कम हो गया, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। किसी ने कहा मेरे सर में भारीपन है, किसी ने कहा मेरा बैक पेन बढ़ गया, किसी ने कहा मेरी छाती में एक अजीब सा सांस लेने में दिक्कत होती है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो मेरे सामने आई हैं। तो मित्रों, ये क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, अब मैं उसकी एक चर्चा आपको बता दूं कि कहां गलतियां हो जाती हैं। मित्रों, अक्सर लोगों को क्या पता चलता है कि कपालभाति करो ये ठीक हो जाएगा, अभी आपको आदत नहीं है सीधा बैठने की। अक्सर हमने देखा है लोग जो बैठते हैं ऐसे बैठते हैं, अब आपको ऐसे ही बैठने की आदत है, आपको सीधा बैठने की आदत नहीं है। अब आपने सीधा क्या किया, पीठ से ऐसे थोड़ा बोला, आपको जिसने बताया उसने बोला पीठ सीधी करके बैठ जाना और कपालभाति करना, तो आपके हिसाब से तो आप पीठ सीधी करके बैठ गए, अब आपने कपालभाति करना चालू किया। कैसे, जब आपने ये चालू किया तो आप देखेंगे कि आपका जो नाभि के नीचे का हिस्सा वो आपका नहीं हिल रहा है, जो नए हैं वो आप समझ सकते हैं, वो देखेंगे तो पता चल जाएगा, नाभि के ऊपर का हिस्सा हिल रहा है, तो आपका क्या होगा, नाभि के नीचे का हिस्सा कम नहीं होगा, ऊपर का हिस्सा कम हो जाएगा। अब किसी किसी को पता नहीं होता, जैसे मैं भी उसमें गलती कर चुकी हूँ, एक खड़े होकर कपालभाति कर लेते हैं। मित्रों, मैंने 2-3 महीने करीब खड़े होकर कपालभाति किया था, करीब 3 महीने, उसके बाद मैं अपना इतना पेट कभी नहीं घटा पाई हूँ और ये आज भी मेरा उतना कायम है। तो ये कुछ समस्याएं आ जाती हैं खड़े के प्राणायाम करने से, इसलिए बाबा कहते हैं खड़े के प्राणायाम नहीं करना चाहिए, कपालभाति तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यदि आप करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट हैं। उसके अलावा जो मैंने कहा कि पीठ सीधी नहीं होती है, तो उसमें जो पीठ सीधी नहीं होती है उसमें आप देखेंगे कि ये हिस्सा, हम जब सीधे बैठते हैं तो ये ऐसे होता है पूरा, ये देखिए ऐसे नहीं होगा, पर हाँ ये सीधा होगा। अब जब आप सीधा बैठेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो है आपके कपड़े में सलवटे नहीं हैं, पर जब आप थोड़ी सी पीठ सीधी नहीं रखते ऐसे हो जाते हैं, ये देखिए पीछे आपको ये साफ पता चला, यहाँ प्रेशर आ रहा है, यहाँ कुछ इकट्ठा हो गया, ये सीधा हो गया और ये यहाँ इकट्ठा हो गया। जब यहाँ कुछ इकट्ठा हो गया तो आपके यहाँ पे भी कुछ इकट्ठा हो रहा है, तो जो हिस्सा जो आपका जाम पड़ा है, जो आपने इकट्ठा कर दिया, वहाँ आपको दर्द शुरू हो सकता है या वो क्लियर नहीं होगा, तो वही हिस्सा आगे ये पड़ जाता है तो आपका जो ये कहते हैं ना बेली फैट, वो कम नहीं होता। उसके बाद कुछ बातें और बता दूं कि यदि आपने पीठ सीधी नहीं रखी, आप कपालभाति करें तो आप एक तरीका ये करेंगे, कैसे, अब आप देखिए लगातार मेरे कंधे हिल रहे हैं, जब लगातार कंधे हिल रहे हैं इसका मतलब है कि जो कंधे हिलते हैं उससे यहाँ पर हल्का धीरे धीरे प्रेशर आता है, जो देखो हिल रहा है लगातार। मित्रों, जब ये लगातार हिलता है तो आपकी कमर को डैमेज करता है, तो इससे आपको कमर में दर्द आने की बहुत ही सामान्य और बहुत ही सीधे से चांस बन जाते हैं। उसके बाद कई बार कुछ लोग गलती करते हैं, कपालभाति करते समय यहाँ पे जो सांस चलती है ना उसको झटके से छोड़ते हैं,
झटके से तो छोड़ना लेकिन पीठ सीधी रखनी है। कपालभाति में सांस ऐसे छूटती है, पर आपने जो झटका दिया, जो ये यहाँ से हिलाया, तो यहाँ कई बार आपको पीड़ा आ जाती है, यहाँ चुभन भी हो जाती है, और कई बार फेफड़ों में या कहें तो ये छाती में आपको तकलीफ हो जाती है। उसके बाद कुछ जो गलतियाँ होती हैं, सांस बहुत ज़ोर से छोड़ते हैं, अब उनके मुंह के आकार भी अलग अलग बनते, कैसे कैसे भी आकार बन जाएंगे, मतलब उनका जो चेहरा है वो नॉर्मल नहीं रह पाता। कपालभाति करने में आपके चेहरे पे प्राणायाम करने में स्मित होना चाहिए, कैसे, लेकिन आप जब करें आंखें खींच रही हैं, नाक खींच रही है, चेहरा खींच रहा है, तो ये सब चीज़ें आपकी जो एक्स्ट्रा जो आप एफर्ट डाल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा सांस ले रहे हैं, वो आपका साफ दिखाता है और ये आपके लिए नुकसानदेह होता है। अब इससे करने से क्या होता है, आपके गले में तकलीफ आ जाती है, आँखों में तकलीफ आ जाती है और सर में कई बार बहुत भयंकर पीड़ा आ जाती है, और इतनी भयंकर पीड़ा आ जाती है कभी कभी किसी किसी का सर लगातार दुखता रहता है, चक्कर आने लग जाते हैं, और कभी कभी किसी किसी को तो करते करते बेहोशी तक आ जाती है, क्योंकि मेरे दर्शक मुझसे ये बात पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे तो कल बोले बेहोशी आ गई करते करते कपालभाति, मैंने 15 मिनट किया मैं तो बेहोश हो गई। मित्रों कई बार होता है, यदि आप कपालभाति गलत तरीके से करते हैं, क्योंकि स्वामी रामदेव जी के मुँह से मैंने ये बात सुनी है, तो नाक से खून तक आ सकता है, इतनी गर्मी कपालभाति से बढ़ जाती है। इसलिए जब आप प्राणायाम करते कोई भी प्राणायाम, तो आप उसके निर्देशों को पहले ध्यान से सुनिए। आप कोई 2-5 मिनट की क्लिपिंग देखकर या कुछ 2-5 मिनट का वीडियो देखकर उस अनुसार पूरा प्राणायाम नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि आपको उसमें पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। ये लोग कहते हैं हम बाबा रामदेव को देख के कर रहे हैं, आपने बाबा रामदेव को लगातार नहीं देखा ताकि आप उनकी बातों को समझ सकें। इसलिए आप छोटी सी क्लिपिंग देख के प्लीज़ कोई भी प्राणायाम करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि उसमें पूरे निर्देश कभी भी नहीं होते हैं। हाँ, आप उसमें सीख सकते हैं, पर पूरा निर्देश और नहीं तो आपको करना है ना, तो जैसे वो कर रहे हैं वैसे पूरा करिए, पर उनको जितना समय हो गया उतना समय आपको नहीं हुआ है, तो आप उनके तरीके से भी सांस नहीं ले सकते हैं। यदि आप उनके तरीके से सांस लेने जाएंगे, क्योंकि आपकी सांस उतनी लंबी है ही नहीं, तो लेंगे तो आपको तकलीफ होगी। तो हमने आपको बताया कि प्राणायाम करते समय, खासकर कपालभाति करते समय, आप कहाँ कैसी क्या क्या गलतियाँ कर लेते हैं, उसके परिणाम होते हैं कि आपकी कमर में दर्द हो जाता है, आपकी छाती में दर्द आ जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, उसके साथ ही चेहरे में, आँखों पे, माथे में, सर में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। अभी सबको सारी समस्याएं नहीं आती हैं, पर जिसको जो आती है, जिसको जो भारी पड़ता है वो पता चलता है उसको, जिसको लगता है ये, जिसको तकलीफ होती है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आप गलत निर्देश दे रहे हो, आप गलत चीज़ें बता रहे हो, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपको नहीं हुआ, पर हाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको तकलीफें हो जाती हैं। इसलिए मेहरबानी करके जिसको नहीं हुआ आप अच्छी तरीके से कर पाए, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, पर जो नहीं कर पाए आप औरों की कमेंट भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिनको तकलीफ हुई उनको कैसी कैसी तकलीफें हो गई हैं। अब हम आपको बताते कि आप कपालभाति को सही तरीके से कैसे करें, क्योंकि सही तरीका जाने बिना कोई भी क्रिया ठीक से की नहीं जा सकती। तो मित्रों जैसा कि हमने पहले आपको बताया, पीठ पूरी सीधी होनी चाहिए। अब जब पीठ सीधी होगी ये आपको कैसे पता चलेगा, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपका बैठने का तरीका कोई भी हो सकता है, आप सुखासन में बैठ सकते हैं, और हमारी प्लेलिस्ट है संपूर्ण प्राणायाम, उसमें हमने शुरुआत से कैसे आप बैठें, कैसा आसन प्रयोग करें, कैसे सांस लेना, हमने पूरा विस्तार से बताया। यदि आप उस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा कि कैसे आप प्राणायाम कर सकते हैं, कैसे आप स्टार्ट करेंगे, तो आपका कपालभाति करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, ताकि आप कई बार प्रश्न करते हैं कि एक वीडियो में आप सारी जानकारी दे दीजिए, तो वो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ कि आप ऐसे बैठ जाइए, आप ऐसे बैठ गए हैं, उसके बाद आप देखिए कि आपके कपड़े में सामने सलवटें तो नहीं हैं। यदि आपके कपड़े में सलवटें हैं तो पक्की बात है कि आपकी पीठ सीधी नहीं है, स्पष्ट समझ लीजिए इस बात को। अब आपने ऐसे कपड़ा सीधा कर दिया, पर वो सीधा नहीं होगा, क्योंकि आपकी जब तक पीठ सीधी नहीं होगी यहाँ से सलवटें नहीं जाएंगी, आप कपड़े को पूरा सीधा करके खींच देंगे तो उससे आपकी पीठ सीधी नहीं हो जाएगी। इसलिए आप नॉर्मल बैठिए, आप कैसे ही बैठ जाइए, उसके बाद आप देखिए कि आपके कपड़े में सलवटें हैं। यदि आपको ऐसे पता नहीं चलता है तो सामने आप एक मिरर रखिए, आईना रखिए, जिसमें आप अपने आप को देख सकें, तो आपको पता चलेगा कि आपके कपड़े में सलवटें हैं या नहीं, और सलवटें हैं तो आप अभी कपालभाति करने के लिए तैयार नहीं हैं, और अपनी पीठ को सीधा करिए। अब आपने सीधा करने के चक्कर में दूसरी गलती क्या कर ली कि आपने सीधा तो नहीं हुआ, आप यूँ हो गए, यानी कि यह आपका हिस्सा पूरा अंदर को चला गया। तो जब आप ऐसे कपालभाति करने जाएंगे तो भी आपसे कपालभाति नहीं होगा। इसका मतलब है जब आप सही से सीधे बैठेंगे, पूरी तरीके से सीधे बैठेंगे, तभी आप कपालभाति कर पाएंगे, और सीधा बैठने में जब आप ऐसे बैठेंगे, ये देखिए पूरा पीठ एक लाइन में आता है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आगे भी आपके कपड़े में कोई सलवटें नहीं होंगी। अब मैं जो बैठी हूँ आप देखिए कि
अब मैंने अपना जो लेफ्ट पैर है वो अंदर रखा, राइट पैर मेरा बाहर है, यानी कि बायां पैर अंदर है दायां बाहर है, और इस तरीके से मैं बैठी हूँ। अब जब मैं ऐसे बैठती हूँ ना, मुझे साफ पता चलता है कि मेरी पीठ काफ़ी सीधी हो जाती है, पर मेरी पीठ जो पूरी सीधी होती है वो पद्मासन में होती है। और इसमें एक बात और ध्यान रखें कि आपका जो पैर है वो समान स्थिति में जमीन पर टच होना चाहिए। यदि आपका पैर समान स्थिति में जमीन पर टच नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो यहाँ से है वो डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे माना कि कई बार हम ऐसे बैठते हैं तो अब ये पैर नीचे है, ये पैर ऊपर है, तो हमें साफ पता चलता है कि यहाँ से उसका इफेक्ट अलग आता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें विशेष खिंचाव या तनाव आ जाता है। अब उससे बचने के लिए मैंने आपको कहा कि आप ये तरीके से बैठिए ताकि आपको भले इतना पैर ऊपर रहेगा चलेगा, पर आपका जितना भी हिस्सा हो दोनों समान होंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद आप जब करेंगे तो आप कहीं भी ध्यान दें, आप एक तरफ ना हो जाएं। अक्सर लोग क्या करते हैं, करते करते एक तरफ झुक जाते हैं। तो ध्यान दें, आपकी पीठ पूरी सीधी होनी चाहिए। पीठ पूरी सीधी होने के बाद आपको नॉर्मल सांस से थोड़ा झटका देना, जैसे नाक साफ करते हैं ना, आप हाथ लगा के भी करके देख सकते हैं, तो भी कर सकते हैं। पर नॉर्मली आप जैसे नाक साफ करने के लिए हम सांस छोड़ते हैं झटके से, वैसे ही करना होता है। पर ध्यान रखें, आपको कपालभाति में सांस छोड़ने की क्रिया पर ध्यान देना है, सांस भरने की क्रिया में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि हम भर तो लेते हैं, सांस भरे बिना हम छोड़ नहीं सकते। इस बात को ध्यान से समझें, सांस भरेंगे तो आप छोड़ पाएंगे, आप खाली सांस छोड़ते रहेंगे तो आप कपालभाति या कोई भी प्राणायाम कभी नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि आप झुकते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सांस छोड़ी, उसके बाद सांस भर जाती है। भर क्यों जाती है, क्योंकि हमारी आदत लेने की आसान है, हमें छोड़ना नहीं आता, इसलिए छोड़ना सिखाया जाता है। यहाँ पे लेना हमें आसानी से आता है, हम लेने में कभी दिक्कत नहीं करते, छोड़ने में परेशानी होती है हमको। तो सांस भर जाएगी और सुबह जब आप करेंगे, एक मिनट में आपका स्ट्रोक एक से ज़्यादा नहीं होगा। आप हो सके तो दो मिनट में, तीन मिनट में दो स्ट्रोक भी करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि शुरुआत में जब आप करेंगे तो आपको करते करते लग रहा है कि कहीं तकलीफ हो रही है, कहीं कुछ पीड़ा हो रही है, तो ध्यान दीजिए, उसके बाद आप तुरंत रुक जाइए। यदि आप पीड़ा की बात करेंगे तो आपकी पीड़ा बढ़ जाएगी, ना कि कम होगी। इस बात को अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। तो तकलीफ के साथ कभी भी प्राणायाम ना करें। अच्छा, अब आप नाक में तेल या घी डाल के लगा के प्राणायाम करेंगे ना, तो आपकी सांस छोड़ने में आपको आसानी होगी। और यदि आपकी पित्त की प्रकृति है, ध्यान दीजिए, पित्त की प्रकृति है, तो आप कपालभाति बहुत ही सीमित मात्रा में करें, अन्यथा आपके शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, क्योंकि कपालभाति जो है एक धोपनी की तरह काम करता है। धोपनी किसे कहते हैं, जो लोहा पिघलाने के लिए जो हमारे यहाँ ये हथौड़ा वगैरह बनाते हैं ना, जो आप रास्ते में कहीं देखेंगे, कहीं गाँव आदि में मिल जाते हैं, लोहार होते हैं जो धोपनी चलाते हैं, उसमें वो ऐसे ऐसे करके धोपनी चलाते हैं, वो काम कपालभाति से हमारी बॉडी में होता है। यदि आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है तो आप कपालभाति मेहरबानी करके ना करें और गति तो बिल्कुल ना बढ़ाएं। हाँ, यदि आपके आपके शरीर में वात के साथ पित्त है तो भी आप कपालभाति सीमित मात्रा में करें। कि हाँ, यदि आपकी प्रकृति कफ है तो आप कपालभाति ठीक से कर सकते हैं, उसमें आपको समस्या नहीं आएगी। पर ध्यान दीजिए मित्रों, सांस जितनी लंबी होती है उतनी सांसों का प्रयोग कम होता है। तो कपालभाति जब हम करते हैं तो एक मिनट में हम 60 सांसें ले लेते हैं, और सामान्यतः कहा जाता है कि सांसें गिन के मिली हैं, तो सांसों को कम खर्च करिए ताकि आपको सांसें लंबी, आप अपने जीवन की सांसें लंबी चला सकें। तो इसलिए हमने आपको सारे निर्देश दिए हैं ताकि आप इस बात को विस्तार से, अच्छे से, ठीक से समझ के कर सकें, क्योंकि आप जब कोई भी चीज़, कोई भी क्रिया कैसे भी करते हैं तो उसके परिणाम भी कैसे भी आते हैं। बाय चांस आपने क्रिया सही कर ली तो परिणाम सही आ जाएंगे, लेकिन बाय चांस आपने क्रिया गलत कर ली तो बाय चांस में आपके स्वास्थ्य पर उसका दुष्प्रभाव भी पड़ जाएगा। इस बात को अपने मस्तिष्क को बहुत ही सहजता से बता दीजिए ताकि आप जल्दबाजी में कपालभाति की गलतियां ना करें, कोई भी प्राणायाम की गलतियां ना करें। यदि आप प्राणायाम विस्तार से सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, हमारी प्लेलिस्ट है संपूर्ण प्राणायाम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, देखिए। आप थोड़ा आराम से काम करिए, जल्दबाजी करेंगे तो नहीं होगा, आराम से करिए। उससे पहले स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे तो आपको प्राणायाम करने में बहुत ही सुविधा होगी, आसानी से आप कर पाएंगे। क्योंकि यदि पेट साफ नहीं है और प्राणायाम करने बैठते तो उसके सही परिणाम भी नहीं आते, और विशेषकर कपालभाति में तो नहीं आते। अब आप कहेंगे कब्ज के लिए तो हम कपालभाति करें, तो पेट साफ नहीं तभी तो हम कपालभाति करें, पर आप कपालभाति करके तुरंत पेट साफ नहीं कर सकते, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि उससे कई बार पेट में पीड़ा आ जाती है, और जब वो पीड़ा आती है तो कमर में भी दर्द आ जाता है। तो ये सारी बातें यदि आप ध्यान रखते हैं, निर्देशों को सही तरीके से सुनते हैं, समझते हैं और पालन करते हैं, तो आप देखिए, आप प्राणायाम करके, नियम पालन के साथ, प्राणायाम और व्यायाम, आगे हमने व्यायाम की लिस्ट भी दी है,
तो आप करके आप अपने मन मस्तिष्क और सभी के सभी रोग का शरीर के मन के सभी रोग का समाधान आप बड़ी ही सरलता से सहजता से कर पाएंगे। कोई आपका प्रश्न बनता है, कोई भी कैसा भी प्रश्न है, तो आप टिप्पणी वीडियो पर करिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पर डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं और हमें वहाँ प्रश्न भी कर सकते हैं। और नंबर चाहिए तो निर्देशों का पूरा पालन करिए, आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा, पर नंबर टाइप करके नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए, नंबर मांगेंगे तो सॉरी नहीं मिलेगा, हम एक ही बात कहेंगे वीडियो पूरा देखिए, पता चल जाएगा कि नंबर कैसे मिलेगा। धन्यवाद, वंदे मातरम।